नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। आज एक बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि मेरे चैनल टेकी बॉन्ड में कंप्लीट हो गया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है मोनिटाइजेशन के लिए वो। तो ये एक स्पेशल वीडियो है मोनिटाइजेशन के बारे में। तो मेरे YouTube चैनल का जो मोनिटाइजेशन रिक्वायरमेंट था वो हो गया है कंप्लीट और मैं एलिजिबल हो गया हूँ मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आज का वीडियो वही 1000 सब्सक्राइबर एक स्पेशल वीडियो है। तो मैं ये चैनल स्टार्ट किया था यही बैठ के आज से करीब 8 महीने पहले। तो तभी नहीं सोचा था इस मुकाम में कभी मैं पहुंच पाऊंगा, पर मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो आप भी अगर YouTube क्रिएटर हो और अपना एक YouTube चैनल बनाना चाहते हो तो जिस भी टॉपिक में आप थोड़ा बहुत माहिर हो या थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, आपको बस शुरुआत कर देना है, कहीं सोचना नहीं है, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने भी आज से 8 महीने पहले मेरा फर्स्ट वीडियो आया था 4 जनवरी इसी साल को। तो मैं बाकी सब यूट्यूबर्स का वीडियो देखता रहता था और मुझे भी लगता था कि मुझे भी एक चैनल बनाना चाहिए। तो जिस टॉपिक में मेरा थोड़ा बहुत भी ज्ञान है उस टॉपिक को लेके मैंने शुरू कर दिया मेरा चैनल। और आज 8 महीने बाद मेरा YouTube मोनिटाइजेशन के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम की वो हो गया है कंप्लीट और अभी मैं मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसमें आप लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है। जैसे मैं दिन ब दिन मेहनत करता गया उसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते गए, मेरा वीडियो पसंद करते गए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, इसीलिए मैं आज इस मुकाम में पहुंचा हूँ। ये एक छोटा सा माइलस्टोन है, आगे मुझे और काम करना है, और मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो इसीलिए आप सभी का सपोर्ट मुझे बहुत ही जरूरत है। तो अभी तक के लिए आपके सपोर्ट के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। पर ये सिर्फ एक मोनिटाइजेशन वाला स्पेशल वीडियो नहीं है, आज की इस वीडियो में हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौस्तव, आप देख रहे हो टेकी बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, 8 महीने पहले जैसे मेरा जर्नी शुरू हुआ था इस चैनल में और आज 8 महीने बाद मेरा YouTube चैनल मोनिटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, आपका भी अगर YouTube चैनल हो, आप भी अगर एक क्रिएटर हो और आप भी नया नया YouTube चैनल स्टार्ट किए हो तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मोनिटाइजेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कंप्लीट हो गया, आप अप्लाई कैसे करोगे, कैसे यहाँ पे गूगल एडसेंस में अपना अकाउंट बनाओगे और गूगल एडसेंस के साथ अपने यूट्यूब चैनल को कैसे जोड़ पाओगे, कैसे लिंक कर पाओगे, तो सारा कुछ हम देख लेंगे आज की इस वीडियो में। तो नेक्स्ट हम चले जाएंगे मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो देखिए, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जल्दी से ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर। और जब भी आप अपना नया YouTube चैनल ओपन करते हो तो एकदम नया रहता है YouTube चैनल, तो उसका YouTube स्टूडियो देखने में कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर अगर आप बाएं तरफ नीचे मोनिटाइजेशन ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल मोनिटाइजेशन ऑप्शन पे सब कुछ एकदम नया रहता है और यहाँ का जो क्राइटेरिया रहता है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे आपके चैनल मोनिटाइजेशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है 1000 सब्सक्राइबर की, 4000 घंटे वॉच टाइम की और 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की। तो ये आपको कंप्लीट करना है लास्ट 12 मंथ या लास्ट 1 साल में। और नीचे आप देखोगे नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल करके एक बटन दिया हुआ है, तो इस बटन को आप जब भी क्लिक करोगे और आपका जब भी क्राइटेरिया ये फुलफिल हो जाएगा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम की, तो YouTube की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन मेल भेजा जाएगा कि आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है, अभी आप अप्लाई कर सकते हो मोनिटाइजेशन के लिए। तो इस बटन को हम लोग क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चेंज होके दिखाई दे रहा है, वी विल सेंड यू एन ईमेल व्हेन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जब भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम का, तो YouTube की तरफ से आपको एक मेल भेजा जाएगा। तो वो मेल देखने में कैसा होता है, YouTube की तरफ से क्या भेजा जाता है, वो भी मैं आपको आज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए तो
तो YouTube की तरफ से ऐसा एक मेल भेजा जाता है apply for monetization, तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है ये भी आप चेक कर सकते हो। हाय, आपके चैनल का नाम, योर चैनल हैज पास्ड द 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 पब्लिक वॉच आवर इन लास्ट 12 मंथ्स, रिक्वायरमेंट ऑफ द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का, मतलब चैनल मोनिटाइजेशन के लिए। योर चैनल इज नॉट मोनिटाइज येट, गो टू द मोनिटाइजेशन सेक्शन ऑफ यूट्यूब स्टूडियो टू चेक नेक्स्ट स्टेप्स। If you have already accepted terms and set up AdSense, next no further action is needed. Thanks, the YouTube team. तो जब भी आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, आपको YouTube की तरफ से ऐसा एक मेल चला आता है, तो इसके बाद आप मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब भी आपका चैनल मोनिटाइजेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेता है, तो वो देखने में कैसा होता है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरा YouTube चैनल मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चैनल मोनेटाइजेशन ऑप्शन पे 1000 सब्सक्राइबर रिक्वायर्ड है, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। और 4000 घंटे पब्लिक वॉच आवर, ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो दोनों पे ग्रीन टिक आ चुका है। और 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, तो पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और नीचे आप देख सकते हो एक अप्लाई नाउ का बटन आ चुका है। और जब भी आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हो, YouTube की तरफ से और एक कॉन्ग्रेचुलेशन मेल आ जाता है। वो भी कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये YouTube की तरफ से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर एक कॉन्ग्रेचुलेशन मेल आया है मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे चैनल का नाम टेकी बॉन, कॉन्ग्रेट्स ऑन 1000 सब्सक्राइबर, YouTube क्रिएटर की तरफ से एक मेल आया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट दिखा रहा है 1000, और नीचे लिखा हुआ है दिस इज बनानास, तो इसका मतलब तो क्या है मुझे पता नहीं, आपको पता होता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और नीचे और भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे टेकी बॉन, वी ऑलवेज न्यू दिस डे वुड कम एंड वी होप यू डिड टू, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क and we could not be happier for you. Now go share this GIF and good news using hashtag 1kcreator. और यहाँ पे ये ईमेल ट्विटर पे शेयर करने का एक बटन भी दिया हुआ है, नीचे थैंक्स द यूट्यूब टीम, तो इसे मैं आपके सामने लाइव ट्विटर में शेयर करूँगा। तो यहाँ पे शेयर ऑन ट्विटर बटन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यूट्यूब की तरफ से मुझे जो मेल आया है वो मेरा ट्वीट हो गया है तैयार ट्वीट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ट्वीट बटन पे क्लिक करके इसको ट्वीट कर देता हूँ मेरे टेकी बॉन ट्विटर हैंडल पे। तो मैंने ट्वीट कर दिया आपके सामने लाइव, तो ये आप चेक कर सकते हो मेरे ट्विटर अकाउंट पे, या ट्विटर हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी मैं वापस आ जाता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के मोनिटाइजेशन ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपके सामने मैं लाइव अप्लाई करूंगा मोनिटाइजेशन के लिए, तो उसके लिए मुझे अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। तो अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद क्या क्या ऑप्शन आ गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो स्टेप वन दिया हुआ है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, रीड एंड एग्री टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, दिस इज द एग्रीमेंट दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू अर्न मनी। तो यहाँ पे नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, ऊपर दिया हुआ है नॉट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से एक रिव्यू टर्म का, अंडरस्टैंड टर्म का सारा पॉलिसीज दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है कि YouTube विल पे यू 55% और 45% YouTube अपना रख लेगा जो AdSense से इनकम होगा। तो इस टर्म्स को आपको ठीक तरह से पढ़ना है, और यहाँ पे आई एक्सेप्ट द YouTube पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स ऑप्शन को ऑन कर देना है, और फिर दाहिने तरफ नीचे एक्सेप्ट टर्म्स ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो मेरा स्टेप वन हो गया है डन। अभी स्टेप टू पे जाते हैं, यहाँ पर भी नॉट स्टार्टेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट अ न्यू एडसेंस अकाउंट और कनेक्ट एन एग्जिस्टिंग वन टू योर चैनल, यू नीड एन एडसेंस अकाउंट टू मोनिटाइज एंड गेट पेड। तो यहाँ पर भी नीचे एक स्टार्ट बटन दिया हुआ है, तो स्टार्ट बटन पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे स्टेप टू दिखा रहा है, यू विल बी रीडायरेक्ट टू एडसेंस टू कॉम्प्लीट दिस स्टेप। तो यहाँ पे एक सिलेक्ट करके ऑप्शन दिया हुआ है, डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट। तो अगर आपके पास रहता है तो आप यहाँ पे येस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं रहता है तो नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको पता नहीं तो आई डोंट नो ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट नहीं है, तो मैं नया बनाना चाहता हूँ,
तो नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आ गया है ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन चूज द गूगल अकाउंट यू वांट टू क्रिएट एन एडसेंस अकाउंट विथ यू विल बी रिडायरेक्ट टू एडसेंस टू क्रिएट द न्यू अकाउंट वंस यू आर डन यू विल बी रिडायरेक्ट बैक टू यूट्यूब। तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल एडसेंस का साइन अप पेज ओपन हो गया है और जिस भी ईमेल आईडी से आप ओपन करना चाहते हो गूगल एडसेंस का अकाउंट वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मेरा चैनल का नाम, चैनल का ही ईमेल आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है और आप अगर चेंज करना चाहते हो तो दाहिने तरफ आप देखोगे यूज़ अ डिफरेंट अकाउंट का भी ऑप्शन है, आप दूसरे किसी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो या करेंट ईमेल आईडी जो आपने दिया है उसको चेंज भी कर सकते हो। नीचे योर वेबसाइट ऑप्शन पे URL ऑफ योर साइट, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके YouTube चैनल का लिंक दिया हुआ है। नीचे आप स्क्रॉल करके आओगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है येस सेंड मी कस्टोमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन और नो डोंट सेंड मी कस्टोमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन। तो यहाँ पे येस बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट योर कंट्री और टेरिटोरी, तो यहाँ पे आपको अपना कंट्री या टेरिटोरी सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे मेरा कंट्री है इंडिया तो मैंने यहाँ पे कंट्री पे इंडिया चूज कर लिया। नीचे आ गया है प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन, तो यहाँ पे आपको एडसेंस का सारा टर्म्स एंड कंडीशन ठीक तरह से पढ़ लेना है और फिर नीचे येस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद नीचे क्रिएट एंड अकाउंट बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट हो गया है तैयार, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे एडसेंस फॉर यूट्यूब ऑप्शन पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन, तो कस्टमर इन्फो में अकाउंट टाइप, तो यहाँ पे इंडिविजुअल और बिजनेस दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं यहाँ से इंडिविजुअल चूज कर लेता हूँ। अगर आप बिजनेस अकाउंट चूज करते हो तो आपका अकाउंट बिजनेस पर्पज से ओपन होना चाहिए, जैसे आपके पास बिजनेस पैन कार्ड या बिजनेस लाइसेंस या कोई ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए, नहीं तो आप इंडिविजुअल ऑप्शन चूज कर लोगे। उसके बाद आप दे दोगे अपना नाम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, स्टेट, फ़ोन नंबर, तो सारा इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फिलअप करने के बाद आप जब भी सबमिट बटन पे क्लिक करोगे गूगल एडसेंस का काम हो जाएगा कंप्लीट और आप रीडायरेक्ट होके अपने YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन ऑप्शन पे वापस आ जाओगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप टू पे साइन अप फॉर गूगल एडसेंस ऑप्शन पे इन प्रोग्रेस ऑप्शन दिखा रहा है और नीचे ऑप्शन आ गया है योर एडसेंस अकाउंट इज बीइंग क्रिएटेड और एसोसिएटेड, तो कंप्लीट हो गया है मेरा एडसेंस अकाउंट क्रिएशन। और भी लिखा हुआ है द अप्रूवल एंड एसोसिएशन प्रोसेस कैन टेक अप टू सेवरल डेज, तो यहाँ पे थोड़ा दिन टाइम लगेगा इसको अप्रूवल लेने में। और स्टेप थ्री पे दिया हुआ है गेट रिव्यूड, यहाँ पर भी नॉट स्टार्टेड लिखा हुआ है और नीचे दिया हुआ है यूट्यूब विल रिव्यू योर चैनल टू मेक श्योर इट कॉम्प्लाइज विद द यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, वी विल ईमेल यू अ डिसीशन यूजुअली विद इन अ मंथ, दिस स्टेप विल बिगिन ऑटोमेटिकली After you complete the first two steps। तो जब भी आपका step 1 और step 2 पूरी तरीके से complete हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मेरा step 1 हो गया है complete और step 2 अभी in progress चल रहा है, तो दोनों step fully complete होने के बाद आपका step 3 start हो गया automatically और इसको complete करने में लगभग एक महीना time लग सकता है। तो यहाँ पे manually आपका YouTube channel check किया जाएगा ये मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं, और जब भी आपका मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो यूट्यूब की तरफ से और एक कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपका जब भी मेल आ जाएगा तो आपका यूट्यूब चैनल हो जाएगा मोनेटाइज। तो ये पूरा रहा कैसे आप यूट्यूब का क्राइटेरिया, मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कम्प्लीट करने के बाद मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो सारा चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर किया और कैसे आप गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हो वो भी मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने देखा YouTube मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम की है उसके बाद कैसे मोनेटाइजेशन के लिए आपको अप्लाई करना है।
तो सारा कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर किया। उसके बाद कैसे अपने गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है, उसके साथ अपने यूट्यूब चैनल को कैसे लिंक करना है, सारा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाया। और मैंने लाइव आपके साथ शेयर किया कि YouTube मोनिटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद आपको कौन सा मेल आता है, और उसको मैंने लाइव आपके सामने ट्विटर में शेयर करके भी दिखाया। अब मैं अपने YouTube चैनल को मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। हालांकि ये अप्रूव होने में मिनिमम 15 दिन से एक महीना तक लगता है, तो मैं देख लेता हूँ मुझे कितना दिन लगता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो जाएगा। तो उस टॉपिक को लेके वीडियो भी मैं जल्दी ही आपके लिए लाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जहां सीखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में नया कुछ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि YouTube मोनेटाइजेशन अप्लाई रिलेटेड और Google AdSense अकाउंट क्रिएशन रिलेटेड ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम और मुझे इतना दिन सपोर्ट करने के लिए आप सभी को और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।